अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैलिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट राना मेहताब नासिर आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीसन 19 के बारे में, जहां बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से कुछ साल पहले बैरिया अपार्टमेंट दिए गए थे। इसमें 2 बेड 3 बेड और 4 बेड दिए गए थे। इसके बारे में आज हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, इनका साइज़ क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ आ रही है और इसकी सराउंडिंग कैसी है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल के ऑप्शन अवेल करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर। जैसे हम मेन गेट से इंटर होते हैं, 3 स्क्वायर से राउंड बोर्ड लेके मेन जनाह पे ट्रैवल करते हैं, तो बिल्कुल मेन जनाह की ए साइड पे ये पहला प्रीसेंट वाक़ है, प्रीसेंट 19, जहाँ अपार्टमेंट दिए गए हैं 2 बेड 3 बेड और 4 बेड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के ऊपर आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी लोकेशन पर पहुँचने पर। अब इसकी लोकेशन बहुत ही आउट क्लास है, बिल्कुल मेन जनाह के कमर्शियल इसको फेसिंग करते हैं और कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो वेस्ट ओपन भी है, मेन जनाह को भी फेस करते हैं। प्रीसेंट 2 इसकी सराउंडिंग में आ रहा है। अब सराउंडिंग की बात करते चलते हैं। प्रीसेंट 2 जहाँ के कायद और इकबाल विलाज है, जो कि फुली ऑक्यूपाइड प्रीसेंट, और साथ ही प्रीसेंट 1 आ जाता है जिसमें 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग दी गई है और बिल्कुल इसके जो साथ कार्निवल आ जाता है उसके साथ मेंटेनेंस ऑफिस भी आ जाता है। तो ये बहुत ही आउट क्लास लोकेशन है। जैसे हम टावर अपार्टमेंट में इंटर होते हैं तो टावर 1 के साथ जो बहरिया में एक ही हॉस्पिटल है, बहरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके इंट्रेस पे आता है और इम्तियाज़ मेगा मॉल और PSO और डेंसू और बहरिया के जो फार्म हाउस है, जो कि रिसेंट 18 में वाक़ है, वो भी इसकी सराउंडिंग में आते हैं। तो सराउंडिंग और लोकेशन के एतबार से बहुत ही अच्छा रिसेंट है। अब इस अपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। 2 बेड 3 बेड और 4 बेड दिए गए हैं, टोटल ये 26 टावर हैं। जो 2 बेड के टावर हैं वो टोटल 22 टावर हैं और बाकी जो 4 टावर हैं वो 3 उसमें से 3 बेड है और जो 1 टावर है वो उसमें 4 बेड दिया गया है। 2 बेड के साइज़ की बात करें तो 950 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है और 3 बेड के साइज़ की बात करें तो 2250 इसका साइज़ है और 4 बेड का 2850। साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको 2 बेड मिलेगा, अटैच वाशरूम मिलेगा, टीवी लॉन्च मिलेगा और ओपन किचन मिलेगा, साथ एक स्टोर रूम भी मिलेगा। तो छोटी सी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें 3 बेड भी इसलिए दिए गया है कि 3 बेड के सिर्फ 3 टावर दिए गए हैं, टावर 4, 6 और 7, और उसके साथ टावर 8 है जो वो 4 बेड दिया गया है। तो उसके बाद इसके अगर हम करंट मार्केट के बारे में बात करें तो आज की डेट में हमें जो 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है वो हमें 95 से लेके 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। अगर 3 बेड की बात करें तो 3 बेड जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 2 करोड़ 10 से लेके 2 करोड़ 40-50 तक। 4 बेड की बात करें, 4 बेड का सिर्फ 1 ही टावर दिया है जो कि बिल्कुल मस्जिद को फेसिंग करता है और ड्रीम मार्ट को फेसिंग करता है। तो उसमें जो रेट दिए गए हैं वो 3 से लेके 3.5 करोड़ तक उसमें आपको जो अपार्टमेंट है वो मिलता है। तो इसके बाद हम इसकी सहूलियात की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं जो कि एक ज़िंदगी के लिए मुसर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि मस्जिद ऑपरेशनल हो चुकी है और इसके साथ शॉपिंग गैलरी जो कि ग्राउंड प्लस फर्स्ट की दी है इन्होंने। बाकी आप देख लें, प्रीसेंट 2 में देख लें या प्रीसेंट 10A में देख लें, वहाँ आपको ग्राउंड की गैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ ग्राउंड प्लस फर्स्ट की दी गई है जो कि फुली ऑपरेशनल है। उसके बाद इन्होंने एक एक्स्ट्रा डी मार्ट दिया जहाँ आप ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलती तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर इम्तियाज़ मेगा मॉल है, तो उसके आप वहाँ एक्सेस करके वहाँ अपनी जो खरीदो फरोख्त है वो बआसानी कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आपको पता है कि बहरिया टाउन कराची या कराची के अंदर ये 5 से 6 दिन हो गए बारिशों का सिलसिला जो कि लगातार जारी है, और जो कराची में आप देख सकते हैं कि डिफेंस जैसे इलाकों में पानी खड़ा हो चुका है और बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं ओवरसीज़ हैं जो अभी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि हमें रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए। तो अपार्टमेंट के जो रेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ही मेजर बात है, वो करनी चाहिए। 2 बेड के अगर रेंट की बात करें तो 2 बेड हमें मिलता है 32 से लेके 38 की ब्रैकेट में, चाहे वो कॉर्नर का हो या ग्राउंड का हो या फर्स्ट का हो, विद लोकेशन। उसके बाद अगर 3 बेड की बात करें तो 3 बेड हमें मिलता है 70 से 75 की ब्रैकेट में, 4 बेड की बात करें तो 4 बेड हमें मिलता है 80 से 85 की ब्रैकेट में।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप रहना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, मूव होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप आके इसको विज़िट करें। आपको इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी सराउंडिंग है और जो चीज़ें इसकी देखने वाली है वो देखनी चाहिए। बिल्कुल इसके साथ जो डेंजू डे एंड नाइट पार्क दिया गया है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप बिल्कुल नज़दीक अगर पार्क जाना चाह रहे हैं तो पार्क भी जा सकते हैं। मसलन आप अगर रहाइश पज़ीर होना चाह रहे हैं, आप अगर आपकी फैमिली छोटी है या आप बंद कमरे के अंदर या बंद घर के अंदर आप रहना समझते हैं कि अच्छा समझते हैं, तो उसके लिए आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बहरिया अपार्टमेंट है। तो आप पहले इसे आके विज़िट करें, सारी चीज़ें देखें परखें, उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन लेके आप यहाँ अपार्टमेंट लेंगे। तो मज़ीद अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या आपका कोई भी कंसर्न या कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मेंशन है, आप 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।